जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आज एक नया टॉपिक आपके सामने। मेरी बेटी जो अंजलि पटवाल है, वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी पहले, उसने MBA किया था, आज वहाँ पे वो एज ए जज गई थी। तो अंजलि से ही पूछते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे प्रेजेंटेशन और बाकी कार्रवाई हुई। अंजलि, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जज बन के गई थी, तो थोड़ी सी आप एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर कीजिए। ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पहली बात तो मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। दे प्रोवाइडेड मी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। मैं मेरे कॉलेज से 26-30 किलोमीटर्स दूर रहती हूँ, सो विच इज़ रियली नाइस एंड स्वीट ऑफ देम। उसके बाद मैं वहाँ गई तो मेरा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ और मुझे दे मेड मी सिट इन द VIP लाउंज में मैं बैठी थी। उधर मुझको कॉफ़ी दी, मुझे टी दिया, मुझे पानी दिया। दे वर ग्रीटिंग, जो मेरे जूनियर्स थे मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे थे, सर मैम बोल के बुला रहे थे, और उन्होंने मुझे चीज बॉल्स दिए, सैंडविचेस दिए। सो ये सब हुआ, ये सब स्टार्टिंग में हुआ। और उसके बाद 5 मिनट वेट करके थोड़ा सा ब्रेक लेके हम ऊपर चले गए जजिंग के लिए। और जब जजमेंट स्टार्ट हुई तो बेसिकली ये कॉम्पिटिशन था, अलग अलग जगह से कॉलेजेस आते हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। इट्स ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन। उन्होंने पार्ट लिया और देन दे हैव टू गिव प्रेजेंटेशन और सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके बेसिस से मुझे उनसे क्वेश्चंस पूछने थे एंड मुझे उन्हें स्कोर करना था और मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड देना था। सो मैंने अच्छे से जजिंग किया। देवर टोटल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया देवर 6 फाइनलिस्ट टीम्स, और उसमें से मैंने सबको जज किया और फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया। एंड इन दी एंड आई वॉज फैसिलिटेटेड बाई द प्लेसमेंट हेड रूबी चंदा मैम, और उन्होंने मुझे एक बहुत क्यूट सा ये प्लांट दिया जिसमें मैं अभी पानी डालूंगी एंड मैं टेबल में भी रखूंगी जहाँ मेरा कंप्यूटर है। सो थैंक यू मैम। एंड देन दे आल्सो गिव मी दिस बॉक्स। पहले, एक साल पहले मैं सारे जजेस को ही देती थी, अब नाउ मुझे ये मिल रहा है क्योंकि अब मैं जज हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। और आई हैव दिस क्यूट चेन, ब्लैक, ब्लैक वॉज द थीम। आई हैव अ क्यूट डायरी विद सिम्स ब्रांडिंग ऑन इट। Very, I would say very good quality. And I also have a pen, that is very nice. Pen bhi achhi company. Wow. Or water bottle. And इसमें temperature भी दिखता है। So whatever, I mean, अगर मुझे ये भी देते तो मैं बहुत खुश होती, because ये opportunity in itself बहुत ही अच्छी थी। मैंने पहली बार कोई यूरो कॉम्पिटिशन जज किया इस लेवल का। क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि अपने इस कॉलेज में जहाँ से आपने पढ़ा और उसी में एज ए जज गए, तो ये आपको एक प्राउड फील हुआ होगा। ऑफ कोर्स किसी को भी प्राउड फील होगा, मतलब जहाँ मैंने पढ़ा है उधर मैं जा रही हूँ जज करने के लिए बच्चों को। लाइक इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। जब मुझे उन्होंने अप्रोच भी किया तो मुझे, मैंने सोचा भी नहीं एक सेकेंड के लिए, दे वर लाइक अंजलि आर यू अवेलेबल, मैंने बोला यस प्लीज, मतलब इस कॉलेज ने मुझे प्लेसमेंट दिलाई है, मैं जो जॉब करती हूँ बिकॉज ऑफ द यू नो बिकॉज ऑफ माई कॉलेज, तो वाई कांट आई डू दिस मच फॉर माई कॉलेज। तो आज छुट्टी थी तो आपको अच्छा मौका मिल गया ना ऑफिस की तरफ से छुट्टी। या और उन्होंने इसी तरह से इवेंट रख रखे ताकि जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो सारे लोग आ सके। तो कैसे बच्चों का कैसे रहा, बच्चे कैसे आजकल के टैलेंटेड हैं? बहुत टैलेंटेड है, मतलब उनको हर चीज़ मतलब बहुत इजीली यूट्यूब पे सर्च करते हैं और मिल जाती है। तो बहुत अच्छा था, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी थी। उस स्टेज पे जब मैं होती थी या मेरे और सीनियर होते थे, दे यूज़ टू बी वेरी नर्वस एंड दिस एंड दैट, अगर कोई क्वेश्चन पूछता था दे यूज़ टू गेट नर्वस, बट ये बच्चे बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे। वी वर कॉन्फिडेंट, वेरी वेल स्पोकन, ओपन माइंडेड, वेरी न्यू अप्रोच, क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी थे, और उनकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ पता चल ही जाता है एक सेकंड के अंदर। थैंक यू अंजलि, बाय।